सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नारायण
नमासुर शंख चक्र कदाचार गृहीत परमायुध प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमासुर गृहीवग्र महाचक्र दशाधितम सुंदर वराह रूपिणी शिव नारायणी नमासुर नृसिंह रूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान् त्रैलोक्य त्राण सहित नारायणी नमासुर कलेपने महावज्र सहस्र नयनाज्र वृत्र प्राण हरे चंद्र नारायणी नमासुर शिव ज्योति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले गौर रूपे महारावे नारायणी नमासुर दशाकरालवदने शिरामालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमासुदे लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमासुदे मेधे सरस्वती भरे भूति भाप्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणी नमासुदे सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमासुरे एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिर्भ्यः कात्यायणी नमासुरे ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतभद्रकाली नमासुरे इनस्ति दत्य तेजांसि स्वनेन पूरया जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासदानिव असुरासिग्वसापङ्कचस्थितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नदाभयम् रोगानशेषानपः शितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानानभिपण्डराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जात्कदनां त्वयाद्य धर्माद्विषां देहि महासुराणां रूपैरनेकैर् बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत्प्रकरोति कन्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वकरतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्व रक्षांसि यत्राग्रविशास्य नाग यत्रालयो दस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाजे त्वयि भक्ति सम्भा देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा सुलभता तदुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमण्डयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदर्थं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामेज लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं दुर्गणा वरं जनमनसे चर त्वं वृणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वयान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानिशुम्भश्चेवान्यामुस्पर्शेते महासुरो नन्दगोपागृहे जाता जशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले
अवतीर्यहनिष्यामि विप्रजित्तान् सुदानवान् वक्षयन्त्या च दानव्यान् विप्रजित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाग्मे सपापमः तदो मा देवता स्वर्गे प्रत्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनाभिष्टामनं वदे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प्रविश्यामि जो निज तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा चेमिति मातरः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समर्थवे स्मरिष्यामि सुराजाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्यामहं भवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोषन्त्यानं ब्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाज्योत्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्गे जगत्पदं त्रैलोक्यस्वहितार्थाय वदिष्यामि महासुर ब्राह्मरीते च मालोका सदा शोष्यन्त सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानभूता भविष्यति तदा तदा भद्रियाहं करिष्याम्यमि सञ्चया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता प्राप्त होती है दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप
शरणद भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान विद्युत्तम समप्रभां विलपते स्कन्दस्थितां देशनां कन्याभिः करबालघेटविलसत् हस्ताभिलाषेभिता हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं जुनं दर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गं त्रिनेत्रां भजे। ॐ ऋषभाच एविस्तवेशमानित्यं शोषदेया समाहिता तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्तिदर्वद्भदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या महामाहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽथा न च बलः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुता न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न तोजोगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थितात् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधोत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्र तत्पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिक्षामहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् रिपवः सञ्चयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुर्स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु योगासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जान्ते ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां भरणादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपे स्ततोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयरहरणि च अन्ये चाभिविधेर्वाजैः प्रदानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् स्वर्गे सुचरिते श्रुते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मै सुदेवलिखितं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयोजाश्च जाशुभं वर्षिभिकृता ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे पापि धावामि परिवारितः दस्यभिर्भावृता शुभ्ने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वामनः स्थिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रप्तो बद्धबन्धगतोऽपि वा आक्रोशितो वा भातेन स्थिता पोते महानवे परसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्थितोऽपि वा
भगवती चंडिका चंड विक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र वान्तरधीयत देवी देवा निरातंकः स्वाधिकारं यथा पुरा यज्ञभागपुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहत शुम्भ देव विमोचति जगत विध्वंसमेतस्मिन् महाग्रतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाजुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते गोप जगतः परिपालनम् तयेतन्वाय देवेश्वम् देव विश्वम् प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानम् दृष्टा ऋद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् प्रयेत सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्यया स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले निणाम् सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिर्प्रदायः सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्प धूपगन्धादिभिस्तुता ददाति वित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अथ सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचम् न कला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अति गुह्यतरम् देवी देवानामविदुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयनीरम पार्वती नारणम् मोहनम् वर्षम् सम्बनम् चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसृत कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं झौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लंसं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतम् हि महादेवी जपम् सिद्धिम् गुरुष्वने हृङ्कारी सृष्टिरूपाय हृङ्कारी प्रतिपालिका हृङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च एकाली वरदायिनि भिच्चे चाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि दाधीं धूं धुर्जले पद्मे वामीं भूम्बागधीश्वरी क्रां क्रीं रूं कालिका देवी शाशेषु मे शुभम् गुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भणाधिनि ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्र भवाने च नमो नमः अङ्कं चं टं तं पं यं क्षं विं द्वं ऐं विं हं क्षं द्विजाग्रं द्विजाग्र त्रोटय त्रोटय गीतं गुरु गुरु स्वाहा रां ह्रीं ॐ पार्वती पूर्णा खां ह्रीं ॐ खेचरी तदा सांसेषु सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिम् कुरुष्वे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनाम् सप्तशतीम् पठेत् नारस्य जायते सिद्धि अरण्ये वदनम् यथा अथ दुर्गापद्धराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्प नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वे
Yeah.
सरस्वती वंदन Yeah.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन, अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। तो वास्तव में इस माँ जगजननी जगत माता की जिन भक्तों की कृपा हो जाती है, उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। जीवन में कभी किसी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आती और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं और वह जो भी चिंतन करते हैं उनकी समस्त मनोबल सिद्ध कामना जो है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह पूर्ण होती है और इस लोक में सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक जो ही कल्याण हो जाते हैं, जिन पर जगजन जगत माता की कृपा हो जाती है।
इसलिए भक्तजन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, इस जगजन्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंड के सामने नतमस्तक होते ही माँ के चरणों अपना मस्तक झुकाते ही और इन तीनों माताओं का एक साथ माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती का आशीर्वाद जो है वह प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से वह साधक जन, वह भक्त जन जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि भीष्म पितामह, जे महाभारत की कथा है, भीष्म पितामह जिनकी माँ गंगा थी, गंगा माँ के कोख से जिनका जन्म हुआ था, ऐसे भीष्म पितामह जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे, तो कहते हैं कि जिस समय वह युद्ध भूमि में सब सज्जे पर पड़े हुए थे, उस समय जो है वह पांडवों को उपदेश दे रहे थे और भगवान कृष्ण ने जो है भीष्म पितामह से आग्रह किया कि आप पांडवों को उपदेश दीजिए, धर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार से वह उपदेश देते हुए पांडवों से वह कह रहे थे, इस प्रकार से उपदेश कर रहे थे, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें जो है वह कह रहे थे कि आर्त को जो है किस प्रकार बचाया जाए, कोई कष्ट में हो, कोई दुख में हो, कैसी उसकी रक्षा जो करनी चाहिए, दीन दुखी की किस प्रकार से, कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, संकट में है, विपत्ति में है, तो उसको आना चाहिए, उसकी रक्षा जो है कैसे की जाए, ये प्रसंग था। और इस पर जो है द्रौपदी को जो है हंसी आगे भी हंस पड़ी, द्रौपदी बाहर विराजमान थे, उसे हंसी आगे और भीष्म पितामह ने जो है उसे हंसते हुए देख लिया। जब देख लिया तो उसने पूछा कि बेटे क्या कारण है, आपके हंसने का कारण क्या है? तब जो उसने कहा, वह बताना चाहती नहीं थी, तो उसने कहा, नहीं दादाजी कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे मुझे हंसी आ गई, द्रौपदी सकुचा गई और यही बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि नहीं दादाजी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो है पितामह भीष्म ने जो है उससे पूछा, कोई तो कारण है जिस कारण से जो है आपको हंसी आई है। तो जो है बार बार पूछने पर उसने कहा कि नहीं आप संकोच छोड़ दीजिए और बताइए अपनी हंसी का कारण क्या है। तब जो है द्रौपदी ने कहा कि पितामह कि मुझे हंसी जो थी इसलिए आई कि आपके उपदेश पर जो आप उपदेश दे रहे थे, आज जो है आप इतना बड़ा उपदेश जो है ये दे रहे हैं, और जिस समय मेरी साड़ी जो है दुशासन खींच रहा था और भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था, उस समय मैं रो रो करके जो है चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या उस समय आपको जो धर्म की बातें याद नहीं आई? क्या जो है उस समय क्या आपको जो ज्ञान नहीं था, जो आज जो है आपको ज्ञान हुआ और पांडवों को जो धर्म का ज्ञान जो है आप दे रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान जो है जो आप दे रहे हैं, आज ये ज्ञान जो आपको कहां से प्राप्त हुआ? क्या पहले जो ज्ञान नहीं था, अभी आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए मुझे हंसी आई कि जब आर्त के लिए आप कह रहे हैं, कोई आर्त है, दुखी है, संकट में, विपत्ति में, तो उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? जो पांडु का आप समझा रहे हैं और जो जिस समय मैं संकट में थी और मैं रो रख कर पुकार रही थी आपके सामने, दादाजी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचाइए, तब आप वहीं पर तो बैठे थे और मैंने एक बार नहीं अनेक बार आपसे पुकारा, आपसे कहा, परंतु जो है किसने मेरी एक नहीं सुनी और किसने मेरी उस समय रक्षा नहीं की। अब जो है भीष्म पितामह जी कहते हैं कि कहते हैं उस समय द्रौपदी जब संकट में थी, जब कोई उसका सहायक नहीं था, तो समय उसने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने उनकी रक्षा की, लाज बचाई,
कहते कि भीष्म की आंखों में जो है इस प्रकार से उस समय ये बात सुनकर के आंसू आ गए। रो पड़े भीष्म पितामह जो है और जो है उन्होंने कहा कि बेटे तुम सच कहती हो, आप जो कुछ कह रहे बेटी आप बिल्कुल सच कह रही हो। उस समय मुझ में जो ही ये ज्ञान नहीं था, परंतु मैंने उसके बाद ये ज्ञान जो है ये सीखा है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो उस समय भी था और आज मैं ज्ञान जो दे रहा हूं इस प्रकार से उस समय था अब भी है, परंतु मैं इस प्रकार से पहले भी जो ज्ञान था मैं जानता था सब कुछ जो है, परंतु मैं दुर्योधन का जो ही अन्न खा रहा था। उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था तो अन्न से ही जो मन बनता है। अन्न जो है कहते हैं कि तभी तो कहते हैं कि हर किसी स्थान पर जाकर के कहीं भोजन नहीं कर लेना चाहिए, जो अपनी नेक कमाई है जो हक की कमाई है उसी का सेवन करें, उसी का प्रयोग करें तो आपका जीवन जो है सुखी बना रहेगा, उसमें कोई विघ्न बाधा कोई कष्ट जो है वह नहीं आएगा। अपनी नेक कमाई दूसरे की कमाई पर जो पलने वाले होते हैं कहीं ना कहीं जो है वह कई बार ऐसे घर का अन्न या ऐसे घर का धन जो है जीवन में आ जाते हैं जो सर्वनाश कर डालते हैं, सर्वनाश। इसलिए मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और इस प्रकार से मेरी बुद्धि पर मेरे ज्ञान पर जो ज्ञान तो उस समय भी था परंतु उस ज्ञान पर जो है ये पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि इस प्रकार से कुसंग से जो है बुद्धि जो है विवेक जो है ये काम नहीं करता। उचित क्या है अनुचित है, मुझे करना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ये विवेक उस समय नहीं रहता, ये अन्न का प्रभाव है। और बेटी आज जो है मैं सर सज्जा पर पड़ा हुआ हूँ और रणभूमि में जितना मैंने अन्न खाया है सारे का सारा जिसका जो रक्त बना था शरीर के अंदर सारे का सारा बह चुका है, जो है सारे का सारा रक्त जो बह चुका है रक्त के रूप में वह अन्न जो था अब जो है मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं ज्ञान की बातें कह रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दुर्योधन का अन्न जो था अन्यायोपार्जित था, अन्याय के द्वारा अर्जित किया होगा जो है उसका धन था, पांडव का जो है उसने अधिकार छीन करके उस पर अपना अधिकार जो था वह जमा रखा था, इस पर दूसरे के अधिकार को जो छीन करके जो उस पर अपना अधिकार जमा लेता है ऐसे घर में जा करके वहां अन्न ग्रहण करना भोजन करना या वहां का धन जो है ग्रहण करना ये किसी भी संकट में डाल सकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। इससे जो पुष्टि होती है इस बात की सिद्धि होती है कि इस प्रकार से पांडव का अधिकार छीन करके जो है उस पर जो है अपना अधिकार उसने कर लिया था, इसलिए वह हक की कमाई नहीं थी जिसको मैंने खाया, जिस कारण से मेरी बुद्धि मेरा एक जो था उस समय शून्य हो गया और मैं जो है उस समय जो ज्ञान पर जो पर्दा पड़ा हुआ था इसलिए उस समय मति जो थी बुद्धि जो थी ये मारी गई थी, यही मेरा विवेक जो था वह काम नहीं कर पाया। इसलिए अब जो है रण में जो है अन्न से जो बना सारा खून जो है बह गया है, इसलिए जो है मेरा अंतःकरण जो है अब शुद्ध हो चुका है, अब मेरा अंतःकरण जो है बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, इसलिए ज्ञान जो है अब फिर अब जागृत हुआ है, जागृत हुए हैं, इसलिए मैं जो है ऐसा ये कह रहा हूँ, ये ज्ञान की बात जो बता रहा हूँ, इसलिए ये है हक की बात, हक की रोटी जो होती है। इस संदर्भ में आपका दृष्टांत दे रहा हूँ कि जीवन में देखिए कुछ सत्संग, सत्संग में ही कुछ ऐसी बातें जो है वह प्राप्त होती है जिससे मनुष्य का जीवन जो है वह सुधर जाता है। सत्संग जो है ये सुख देता है, स्वर्ग देता है, समस्त दुखों को दूर करता है, और कुसंग जो है यही दुख देता है, नरक देता है, विपत्तियों में डाल देता है, ऐसे संकट में डाल देता है, और व्यक्ति का विवेक जो काम करता नहीं जब कुसंग जो है ये मिल जाता है कुसंग के कारण ही। अब देखिए त्रेता में जिस समय पहले दिन जो है ये घोषणा की गई भगवान श्री राम को प्रातः काल जो है राज तिलक दिया जाएगा और जो है कहते हैं कि सायंकाल को बाहर उपवन में
राम जब भ्रमण कर रहे थे और घूम रहे थे वहां पर, और जो है उसी समय गुरु वशिष्ठ जी जो है वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देख करके जो है भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज आप इस समय जहां पर आए, मुझे कहा होता मैं वहां पर आ जाता, आश्रम में आ जाता, आपने ऐसा कष्ट किया जाने का, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही आया हूं जब बताने के लिए कि प्रातः काल तुम्हारा राजतिलक होना है, आज जो है बिल्कुल आपने रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है, व्रत करना है। तो जो विधि विधान जो थे वो सारे गुरु वशिष्ठ उनको बतलाए चले गए। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू है। सीता उनसे कहती है क्या कारण क्या है, तो उसने कहा देखो मेरे छोटे भाई हैं, हमारा जन्म जो है एक साथ हुआ और हमारा विवाह जो है एक साथ हुआ, अब जब राजतिलक की बारी आए तो मुझे अकेले क्यों जी। भगवान श्री राम की ऐसी भावना थी कि मेरे भरत को राज्य मिलता तो मेरा गौरव और बढ़ जाता, क्योंकि मैं बड़ा हूं, बड़ा तो पहले हूं, इसलिए मेरे छोटे भाई बड़े हो जाए, ऐसी उनकी जो सोच थी। परंतु देवता जो थे उनकी योजना कुछ और थी जी। हम तो सोचते हैं परिवार में हम ऐसा करेंगे, परिवार में ऐसा हो जाएगा, परंतु ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही होता है। हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। सारी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सारा सारे का सारा विपरीत हो जाता है। तो देवलोक में देवता जो हैं वह परेशान हो गए कि यदि भगवान श्री राम को राजतिलक होता है, युद्ध का राज्य करते हैं, तो फिर तो हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी, राक्षसों का नाश कैसे होगा। तो उन्होंने मां सरस्वती को बुलाया। सरस्वती जो है ये ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, बुद्धि की देवी। अब जो है जब उन्होंने उनसे कहा कि अब जाइए और इस प्रकार से वहां जाकर के विघ्न डालिए, विघ्न डालने के लिए मां सरस्वती को भेजा गया, तब मां सरस्वती ने देवताओं को डांटा कि आप ये क्या कर रहे हो, अयोध्या में जो है किस प्रकार से हर तरफ जो है खुशी खुशी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि काल भगवान श्री राम जो है राजा होंगे, राजतिलक होगा, और वहां जाकर के जो है मैं विघ्न डालूं, वहां पर दुख जो है मैं उपस्थित कर दूं। तब देवता ने समझाया, तब जो उनकी बात को मां सरस्वती ने माना और फिर अयोध्या में प्रवेश किया मां सरस्वती ने। वे आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं कि बुद्धि विवेक पर कैसे जो है जी कुसंग का पड़ता पड़ता असर पड़ता, प्रभाव होता कैसे। तो जो है अब जो है बाबर पहुंचे, अयोध्या वासी जो है बिल्कुल धार्मिक है, धर्म कर्म करते हैं, और ऐसे राजा राजा दशरथ जो है जिसके घर में स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है, वो कितने जो धार्मिक होंगे, कितना उसका तप होगा। और फिर जो है भक्ति की साक्षात देवी जो है मां सीता वहां पर आई है, वह भक्ति के प्रतीक थी। सीता जो थी वहां पर रहती है और भरत जैसे महात्मा जो है, फिर जो उस परिवार में जो है ककेय जो है, यहां भरत से भी अधिक प्रेम राम से करते थे। कारण क्या था, राम और भरत के स्वरूप एक जैसे थे, बच्चों की अदला बदली हो जाती थी, कभी भरत जो है कौशल्या के पास चला जाता, कभी जो है राम वहां पर, पहचान ही नहीं पाते थे, अदला बदली हो जाती थी बच्चों की। तो राम जो है अतिशय प्रेम जो है ककेई उससे करती थी, राम उससे प्रेम करते थे, और इस प्रकार से ककेई माता का जिसने दूध पिया था, ऐसे वगैरह श्री राम जो है जो परब्रह्म परमात्मा है, जहां पर जिसका अवतरण हुआ है, ऐसे में पवित्र स्थली में अयोध्या जो है वहां पर जब जो सरस्वती पहुंचे, तब कैसे जो विघ्न डाला जाए, मेरी बात सुनेगा कौन कैसे। तब जो है सारा विचार किया, अयोध्या में आकर के मां सरस्वती ने देखा कि कैसे विघ्न डाला जाए, तब उसने देखा कि यहां पर अयोध्या में इस राजमहल में बाहर का कौन है, बाहर का सदस्य कौन है। तो सरस्वती ने देखा कि वहां पर मंथरा थी, मंथरा अयोध्या की नहीं थी। अब जब बाहर का कौन है, अब सरस्वती मां ने उसको पकड़ लिया, उसकी बुद्धि में जाकर के बैठ गई और ऐसी बैठी। अब जो ही अब उसी का संग मिला
किसे ककई को कुसंग मंत्र का कुसंग मंत्र जो थी ये तो दहेज में आई थी, दहेज में आई थी जिस कारण से अब वहीं पे रहती है जो बाहर की थी और यही उचित समझा माँ सरस्वती ने आप इसकी बुद्धि बिगाड़ूंगी, क्योंकि जब भी किसी का अनिष्ट होता है तो बुद्धि के विकृत होने के कारण से जब जब जिसकी बुद्धि विकृति आती है तो उसका अनिष्ट होता है, विनाश होता है। तो मैं ऐसे स्थान की बात करें जहां परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, ऐसे राजा दर्शन जो है जो इतने तपस्वी है, कितना उसने जो है ऐसा तप किया होगा, ऐसे पुण्य किए होंगे जिस कारण से उसके घर में परमात्मा अवतरित होगी, और ऐसे संत जो है भरजी यहाँ पर जो है विराजमान है, शेषनाग के अवतार जो है वहां पर जो लक्ष्मण जी विराजमान है। अब जो है उन्होंने जो है कैकेयी को मंत्र दिया और ऐसा मंत्र दिया कि जिसे जो है राजा दशरथ अतिशय प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान श्री राम जो है उससे कैकेयी बहुत प्रेम करती थी और कैकेयी से जो है भगवान राजा दशरथ जो है बहुत प्रेम करते थे। इस प्रकार से अब ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा कुसंग जो है कैकेयी को मिला कि उस कुसंग ने जो है जहां कंक भवन में रहने वाली कैकेयी जो है कोप भवन में पहुंच गई। कुसंग जो है ऐसा कर देता है कि कंक भवन से दही कोप भवन में पहुंचा देता है, कुसंग जो है ऐसा कर देता है कि जो है स्वर्ग से नरक में गिरा देता है, कुसंग जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि घर परिवार में आनंद आनंद होता है और वहां पर भी क्लेश कला उत्पन्न कर देता है। इसलिए जीवन में सत्संग करें, सत्संग ना हो तो भी ठीक है, परंतु कुसंग भूल कर भी मत करें। एक जो मंत्र का कुसंग होने के कारण से जो है अयोध्या नगरी में क्लेश उत्पन्न हुआ और 14 साल के लिए भगवान को वनवास में जाना पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कुसंग से ही आप देखिए वो कितने ज्ञानी थे। हमारी तो बात ही क्या, मतलब कि ऐसे ऐसे जो है वह समझदार वह माता सीता जो जेतु साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी और फिर भगवान श्री राम जो है जो विष्णु के अवतार थे और वह भी जो भ्रमित हुए, माया ने उन पर भी प्रभाव डाल दिया और फिर जो है सामान्य मनुष्य का कहने क्या। ऐसे ही जो भीष्म पितामह जो है इतने ज्ञानी इतने तपस्वी और जिनकी माँ गंगा थी, जो सबको पवित्र करने वाली माँ गंगा जिसके गर्भ से जो है भीष्म पितामह का जन्म हुआ, ऐसे भीष्म पितामह जो है ऐसी परिस्थिति आ गई जीवन में वह निर्णय नहीं कर पाए क्या उचित है क्या अनुचित है, और द्रौपदी साहब ने कहा आंखों में आंसू आ गए ये मेरी भूल है, और जहां पर भूल हो जाए उसको मान लेना चाहिए, यही प्रायश्चित होता है, यही क्षमा प्रार्थना होती है। इसलिए भक्तजन जो है माँ के दरबार में आकर के जगजन्य से, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की रचना है, उसी के चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं हमसे किसी प्रकार से भूल हुई है कोई अपराध हुआ है तो माँ हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी हमें ज्ञान नहीं है, आप कृपा करें मार्गदर्शन करें तो ही हमारा कल्याण नहीं थे, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब इस प्रकार सरस्वती जाकर के आप जो है मंत्र की बुद्धि बिगाड़ सकती है फिर हम क्या है। इसलिए इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए इन तीनों देवियों की कृपा, महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, इन तीनों देवियों की वास्तव में भक्तजन ये कृपा प्राप्त करने के लिए, तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही माँ के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के चरण नतमस्त होते हैं कि जगजन्य जगत माता का इन तीनों देवियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इन तीनों देवियों में हम पर कृपा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवत की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो गए हैं, जो माँ की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। जब माँ जिन पर कृपा करती है उन भक्तों को जो बुलावा भेजती है, अपने दरबार में बुलाती है, चरण में बैठाती है, आशीर्वाद देती है,
सबका मंगल करती हैं, क्योंकि जिनका जो कल्याण करना चाहती हैं, जिनका जो मंगल करना चाहती हैं, उन्हें के अपने दरबार में बुलाती हैं, जो अपने चरण में बिठाती है, आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होती हैं। तो माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीनों माताएं जो हैं, आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, आपको वरदान दें, आपके मनोरथ को पूर्ण करें और इसी तरह से अपने चरणों के साथ आपको लगाए रखें, अपने चरणों के अचल भक्ति पर ध्यान करें और सदा सर्वदा आप भक्तों का मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्ते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा श्री जयपाल जी महाराज के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हैं श्री जयपाल जी। जय करा शिरोवाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। शिरोवाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। हम तो नहगर हैं, माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं, माफ कर दो, सर झुकाने के काबिल नहीं है। शिरोवाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। शिरोवाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल काली सभी हाथ खुलकर लगा ढीले काले नहीं। काले की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। जब माँ के दरबार की हाजिरी हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराठे पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भक्त काले ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने हमको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने चुके हैं, गम में हम इस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है। गम में हम इस कदर दब चुके हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है। शेरोवाले बुला लो हमें भी, द्वार आने के काबिल नहीं है। गर्दिशों में हम कैसे फंसे हैं, जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम ऐसे फंसे हैं, जैसे बादल में चंदा छिपा है। गर्दिशों में हम कैसे फंसे हैं, जैसे बादल में चंदा छिपा है। नहीं।
होता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है दवाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है समाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। हमको परवाह नहीं है दवाना, रूठता है तो रूठे खुशी से। भरोसा नहीं है माँ, खुशकला पे आंखें पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। दिल का बढ़ा जा रहा है, दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, जो दबाने के काबिल नहीं है। दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, जो दबाने के काबिल नहीं है। वाले बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी।
जयकारा शिरोमणि जी का सच्चे दरबार की जय। मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, मुझे अपना दास बना लो माँ, मुझे अपना दास बना लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ। हो दर दर भटका मैं आया तेरे द्वारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, दर दर भटका मैं आया तेरे द्वारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, जिंदगी है मेरी अब तेरे ही सहारे, तेरे द्वार खड़े नर नारी माँ, तेरे द्वार खड़े नर नारी माँ, अपना खो लाज हमारी माँ, अपना खो लाज हमारी माँ, मुझे मुझे हम मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ। तो द्वारे तेरे आसन के जो भी है माया, कभी तूने उसको मखाली ना लौटाया, कभी तूने उसको मखाली ना लुटाया, कभी तूने उसको मखाली ना लुटाया, द्वारे तेरे आसन के जो भी है माया, कभी तूने उसको मखाली ना लुटाया, कभी तूने उसको मखाली ना लुटाया, कभी तूने उसको मखाली ना लुटाया, तेरी महिमा वेद उचारी माँ, तेरी महिमा वेद उचारी माँ, अपना खुला ज हमारी माँ, मुझे हम मुझे हम मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, हम मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ। हम कुछ भी न चाहो अब तुमसे भवानी, चरणों में रहने दो मुझे महारानी, चरणों में रहने दो मुझे महारानी, हाँ कुछ भी न चाहो अब तुमसे भवानी, चरणों में रहने दो मुझे महारानी, चरणों में रहने दो मुझे महारानी, चरणों में रहने दो मुझे महारानी, तेरी लीला जग से न्यारी माँ, तेरी लीला जग से न्यारी माँ, तू भक्तों की हितकारी माँ, तू भक्तों की हितकारी माँ, हम मुझे हम मुझे हम मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ। मैं तो खड़ा हूँ तेरे दर पे मैया, भक्ति का मुझे वर दो आ, भक्ति का मुझे वर दो मैया, भक्ति का मुझे वर दो मैया, मैं तू खड़ा हूँ तेरे दर पे मैया, भक्ति का मुझे वर दो मैया, भक्ति का मुझे वर
मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, हाँ मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, हाँ मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, हाँ मुझे अपना दास बना लो माँ, मुझे अपना बना लो माँ, मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, मुझे चरण कमल में बिठा लो माँ, मुझे अपना दास बना लो माँ, मुझे अपना दास बना लो माँ, मुझे हम मुझे हम मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में 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 ले लो माँ, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, ले लो माँ। जय करा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। दिल दिया गल्ला करा तेरे ना, दिल दिया गल्ला करा तेरे ना, फिर बरसात हो जावे, कर दर
तप्त है मरुचि राम रविचंद्र भण्डे नेत्र धनो सरजोता कुशवास सोला रम्येर भुज सदते शिव शक्ति रूपेन्द्रेन्दुलेखा सच्चे ज्योता वाली माता तेरी सदा माँ भगवती कि असी मनोकंपा सिंह आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यकर्मी हैं, जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की
इसी तरह से भक्तों कृपा बढ़ी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान जसे भव प्रज्ञावान भव भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैर दर्भ जलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात् शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे मैया जय Come on.
मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण की पूजा करके आपके सामने गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और मां विभूति से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो माता।
सभी भक्ति जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिल करके बोलना। ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो जहि, दिशो देहि दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, कार्यक्रम देखे सुने और मान्य मान मां भगवत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, पर्याथ पहर जो सुखरी जो चरना था ध्यान। Thank you.
चक्र पूरी हो जय कराशरवंदा हो सत्य दरबार की जय।